आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आप सबकी जिज्ञासा जो मेरे तक पहुंचती है कि गुरुदेव हमारे घर में बहुत इच्छा है कि मेरी पत्नी के लिए एक मंगलसूत्र बनवा के दे दूँ, मेरी ताकत नहीं, मैं बनवा नहीं पा रहा हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मेरी बेटी की शादी में मैं कुछ अच्छे से सोना चांदी से उसको घर ससुराल भेजूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसमें एक बात तो ऐसा है, सोना बढ़ नहीं पा रहा, खरीद नहीं पा रहे, तो इसमें एक बात ऐसा है, जो एक बात बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो करोगे, व्यवस्थित फॉलो करोगे, तो एक ऐसा उपाय है कि आपके घर में सोना अपने आप आकर्षित होके आएगा। क्योंकि मैंने जब माया बीज कल्प पढ़ा, उसमें स्वर्ण सिद्धि शास्त्र है, स्वर्ण सिद्धि शास्त्र में दो चीज़ें बताइए, एक तो वनस्पतियों से सोना कैसे बनाया जा सकता है, रांग से, कलाई से, कलाई मेटल से, रांग से कैसे सोना बनाया जा सकता है, वो सब सिद्धि पाए हुए सिद्ध पुरुष आज भी करते हैं, पहले भी कर रहे थे। वो स्वर्ण सिद्धि शास्त्र का मैंने जब कुछ अहमदाबाद के इंस्टीट्यूटों से उसका जो प्रति मंगाई और पूरा मैंने शोध किया, तो दो चीज़ मैंने देखा कि वनस्पति अन्य चीज़ों से सोना बन सकता, लेकिन आपका काम ये नहीं है। आपके घर में जो सोना अपने आप बढ़ता जाए और किसी कारण से घर में समृद्धि बढ़ जाए, सोना 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 आने लगे, आकर्षित हो गए, इसके लिए स्वर्ण सिद्धि बनाने की विधि में कई प्रकार की विधि बताई, लेकिन आप संसारियों के लिए, गृहस्थों के लिए कैसा छोटा विधि बताया है जो सटीक है लेकिन गुप्त है। मैं चाहता हूं कि ऐसे गुप्त नहीं रहे कोई भी समृद्धि की बात, भारत भर के हर व्यक्ति को उसका ज्ञान रहे, ताकि घर घर में समृद्धि रहे और हरेक का मंगल होता रहे, ये समृद्धि का आशीर्वाद हरेक को मिलता रहे। ये सोच से इतना सरल उपाय है उसमें बताया है, उसमें तो सोना बनाने का उपाय ऐसे ऐसे भारी बताए, नींबू से, मेहंदी के पत्तों से भी सोने बनते हैं, लेकिन ये सब बोलूँ ना, आप उसके पीछे पड़ के ढूंढने मत लगना, क्योंकि इसके पीछे मंत्रों की सिद्धि भी होनी जरूरी है। जिसको मंत्र सिद्ध हुआ है वो स्वर्ण सिद्धि कर सकता है, वो आपका काम नहीं है, वो सब हम जैसे साधकों का काम है, वो आप नहीं कर पाएंगे। आपके लिए बहुत सरल उपाय बताया है, इतना सटीक उपाय कि ऐसे रखो चीज घर में, तो धीरे 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 आप अपने ताकत में गुरु के प्रभाव को बढ़ाते हो, और जब गुरु ग्रह का अधिकार बढ़ जाता है घर में, तो अपने आप सोना खरीदने का परिस्थिति, व्यवस्था, पूरी समृद्धि सब आ जाती है। और फिर एक दो साल में आप देखोगे तो पहले एक छोटे से दाने सोने के टुकड़े की जो मोहताज थे, वो आज घर में भटियां लेके बैठे हैं बड़े बड़े सोने की। वो कैसे, गुरुवार के दिन ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो पहले भी आप खरीद के रख सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन सूर्योदय से 12 मिनट के, आपके गांव का जो सूर्योदय का टाइम है उससे 12 मिनट के अंदर ये उपाय करनी चाहिए। सूर्योदय हुआ, 12 मिनट के अंदर छोटा सा पीतल का लोटा होना चाहिए, प्योर पीतल का लोटा होना चाहिए, उसमें नीचे कॉपर बॉटम या कोई दूसरा चढ़ाया हुआ, उसके अंदर कलाई चढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, प्योर पीतल का लोटा होना चाहिए। और पूजा के दुकान में जाओगे और पूछोगे काली हल्दी, अगर काली हल्दी बोलोगे तो हवन के दुकान, पूजा के दुकान में देंगे, उसको काट के देखोगे तो अंदर से काला होगा। ये काली हल्दी को इस लोटे में भर लेना है, भरने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा सोने का, भले ही एक ग्राम हो, आधा ग्राम हो, पाव ग्राम हो, एक छोटी सी मणि जैसी भी हो, वो उसमें डाल देना, एक छोटा सा। अगर आपकी परिस्थिति कमजोर है तो जितनी छोटी मात्रा में डालना डाल सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन एक छोटा सा सोने का टुकड़ा उसमें रहना चाहिए। स्वर्ण सिद्धि शास्त्र में ये विधि बताई है कि इस लोटे को जो काली हल्दी से भरा होना चाहिए, काली हल्दी बहुत महंगी चीज नहीं है, पूजा के दुकान में मिलती है, तो काली हल्दी को भर के लोटा, अगर एक लीटर का कम से कम हो तो अच्छा है, एक लीटर का लोटा हो, काली हल्दी से भर दिया, उसमें एक सोने का टुकड़ा डाल दिया, ये सब पहले ही करके रख दिया, और इसको एक पीले कपड़े से, पीले ही डोरे से ऊपर से बांध दें, पीला कपड़ा लें उससे पीले डोरे से बांध दें। बांधने के बाद गुरुवार को सुबह सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर
आप किसी भी बी अलमारे में, आपके तिजोरी में, कहीं भी इस लोटे को नीचे भी एक पीला कपड़ा बिछा के, नीचे एक छोटा सा पीला कपड़ा, ये लोटे के नीचे लोहा नहीं लगना चाहिए अलमारे का, इसलिए एक पीला कपड़ा बिछा के उस पर ये पित्तल का लोटा रख दें। ना धूप करना है, ना दीप करना है, कोई मंत्र बोलना, कोई पूजा करना, कुछ नहीं है। काली हल्दी ऐसी वनस्पति है जो धरती में पड़ी हुई सोने को खींच के अपने घर की ओर लाती है। वो किस प्रकार लाएगी, व्यापार से लाएगी, पैसे से लाएगी, कैसे आएगी, वो तो आपका पुण्य जाने ने, ये उपाय की बताए हुए ऋषि मुनियों की सिद्धि जाने। ऐसा धन सोना बन के आएगा जब आपकी बेटी घर से निकले तो कम से कम 11 किलो सोना पहन के वो निकले। मैं ये प्रार्थना करते हुए कि घर घर में हर बेटी 11 किलो सोना पहन के घर से निकले, विदाई हो, धूमधाम से निकले, और आपका जमाई भी हाथ में सोने की घड़ी पहन के, आपका दिया हुआ चैन, दसों हाथ में अंगूठी पहन के। देखो मैं तो साधु हूँ, आपको बहुत अच्छे से बता दूँ कि इस जीवन में मैंने इन कोई भौतिक वस्तु का उपयोग प्रयोग नहीं किया। जो भी मेरे सामने आते हैं वो देखते हैं, जितने बैठे हैं देखते हैं कि मैं मात्र पूजा पाठ करता हूँ और भक्ति करता हूँ, फिर ये सब चीज़ों की क्या जरूरत है। भारत समृद्ध बने, भारतीय नागरिक इस सोने की चिड़िया वाली देश में पुनः सौभाग्यवान बने, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। इसलिए आप एक गुरुवार के दिन लोटे में, काली हल्दी में थोड़ा सोना डाल के बांध के रख दो। जब भी सोना आवे घर में, जब भी आगे सोना बढ़े, तो कृष्णगिरी वाली पद्मावती की जरूर एक बार आप जय बोल लेना। उतना ही आपके लिए गुरु दक्षिणा है कि आप जय बोलें। और एक बात ये भी बता दूं कि सोना नुकसान बहुत लोगों का होता है, सोना आ तो जाता है, इसका भी आप ध्यान रखना। सोना कई लोगों के घर में आ तो जाता है, बाद में गिरवी रखना पड़ जाता है। यहाँ कोई ऐसे हैं क्या जो सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई? आ गई नहीं? देखो सब हाथ उठा रहे, अभी कैमरा घुमाऊं काम नहीं आवे, सब हाथ उठा रहे, भाई सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई। कभी ऐसा होता है सोना बेचना पड़ता है? एक माता जी अभी पूछ रहे, एक मेरा बेटा मकान खरीद रहा है, 2 किलो सोना मांग रहा है। अब दूं के नहीं महाराज, अभी यहीं बैठी है सामने, माँ पूछ रही है इनका कारण क्या है। जो आया हुआ भी जाता है। आप देखिए, आप कोई वस्तु को ला रहे हो तो ये आपका पुण्य है, लेकिन वो वस्तु टिका रहना वो पुण्य नहीं है। आपके निजी जीवन की नित्य प्रतिदिन की क्रियाओं से वो टिकता है। कैसे सोना गिरवी जाता है, क्यों सोना अपने घर से नुकसान में जाता है, कहीं सबका जाता है, या तो बढ़ता नहीं है, जितना है उतना ही रहता है। कई औरतें मेरे को बोलती है, 40 साल पहले मेरे पियर से ये बाप का दिया हुआ लाई थी महाराज, आज तक उतना ही है, मेरे पति ने एक चूड़ी बना के मेरे को आज तक नहीं पहना, एक चूड़ी तक मेरा पति ने नहीं पहना है, वो जो है वही पड़ा है। या तो बढ़ता नहीं या है जो भी चले जाता है। इसका एक ही कारण उसी सिद्धि शास्त्र पुस्तक में लिखा है कि सोने का नुकसान या सोना बढ़ता नहीं, इसका कारण क्या है, कौन जानना चाहता है, कौन सोना बढ़ाना चाहता है, मोक्ष कौन कौन मेरे साथ चलना चाहता है। नाटकीय हो, नाटकीय हो तुम दो, मोक्ष और सोने का कोई मेल तोल है? नाटक करना है अभी, देखो कोई बात नहीं, आपको बताऊं उसमें क्या लिखा है कि आप लोग फंक्शनों में जाते हो तब गहना पहनते हो, चीजें पहनते हो, बाकी टाइम अंदर रहता है। आपको क्या है कि गहना कब पहना है, शादी में जा रहे हैं, कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तभी पहनते हो। बाकी टाइम जो नॉर्मल एक चैन है, दो जो भी दो अंगूठी, उस दिन देखो तो बड़ा ब्रेसलेट पहन लेता है आदमी, बढ़िया से घड़ी पहन लेता है, सोने का मुंह किया हुआ चैन पहन लेता है, सब पहन लेता है। औरतें देखो तो तरह तरह का सब झुमकी झुमकी लगा के चलने लगती है। लेकिन उस पुस्तक में लिखा है, ऋषि मुनियों ने बताया है कि रात में जब वापस आते हो तो आपको लगता है कि अभी सोऊं तो छुपेगी, मेरे शरीर में छुपेगा,
तो रात के समय आप खोलने लगते हो। हर आदमी भारत में करता, जैसे ही फंक्शन से घर आया आदमी ब्रेसलेट खोलने लगता, चेन खोलता, अंदर रखता, फिर आराम से नाइट ड्रेस पहन के। औरत भी सब अपने गहने खोलती है ना, आराम से सोती है। और शास्त्र कहता है, ऋषि मुनि हमारा भारतीय परंपरा कहती है कि सूर्यास्त के बाद जो गहने खोलेंगे उनके घर में वो गहने या तो गिर भी जाएंगे या बेचे जाएंगे या बढ़ेंगे, नहीं तीन में एक तो होगा। और हर आदमी ये करता है, फिर भी कोई बढ़ रहा है तो वो महापुण्य समझ लेना किसी का, भाई हम ये सब करते ही है फिर भी बढ़ता है तो वो लाख में एक ही होगा। 99,999 के तो गहने जाते हैं। सूर्यास्त के बाद कभी जीवन में गहना खोलने का कभी काम मत करना। क्या नहीं करना? देखो जो चीज आपको छुपता है, प्रेम हो तो अब आपका बेटा आपके गोद में पेशाब करता है आपको तकलीफ होता है क्या? क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? ममता है। क्या है? तो ममता हो तो हर चीज माफ है। वो रात में लात मारता है कि नहीं नींद में? आपको दुख होता है? क्यों नहीं है? प्यार है। अगर गहने पर सच्चा प्यार होता तो भले ही तू छुप, भाई मैं तो पहन के बैठूंगी, ऐसे पहनते के नहीं, जैसे ही दिखाना था दुनिया को दिखा दिए वो पहन पहन के, जैसे ही आए खोल के पटको इसको, मेरे को तो बहुत परेशानी हो रही है, पसीना हो रहा है, खुजली आ रही है, परेशानी होगी। जिससे आपको खुजली आती हो, जिससे आपको परेशानी होती हो, जिसको पहन के सोने से छुपता हो, वो चीज फिर आपके पास इज्जत करके आएगा क्या जिसको आप दुत्कारते हो? तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही पहने हुए गहने को कभी भी खोलना चाहिए। सूर्यास्त के बाद जो गहना खोलते हैं उनके घर में या तो गहना बढ़ता नहीं, या तो गहना गिर भी रखना पड़ता है, या गहना बेचना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखें, बहुत ही सूक्ष्म रहस्य है। मेरे ख्याल से इसके बारे में ऑल इंडिया में कोई वीडियो नहीं है इसके बारे में। कोई अभी ढूंढो कि भाई ऐसा एक वीडियो हमने देखा तो 10 करोड़ वीडियो में एक वीडियो नहीं मिलेगा कि भाई सोना बढ़ाने के लिए लोटे में काली हल्दी भर दो, थोड़ा सोना डालो, फिर ये माता जी एक दिन आएगी बोलेगी कि मेरे बेटे ने गुरुदेव सोने की पद्मावती की मूर्ति बना दी है, इसको आप सिद्ध करके दीजिए, हम पूजा करते हैं, अब हमको पूजा करनी है। ऐसे माँ भी सोने की बन जाएगी। नागार्जुन विद्या है कल्प, नागार्जुन जी हमारे जैनों के बड़े मुनि हुए, उनके कल्प में सोना कैसे कैसे बनाया जा सकता है सब विधि बताई गई है। नागार्जुन कल्प, क्या कल्प? हाँ, नागार्जुन कल्प में सब विधि। आप उसमें मत जाओ, आप तो ईमानदारी से मेहनत करते जाओ और भगवान के बताए हुए आध्यात्मिक उपायों को करते जाओ। साथ में सच्ची ईमानदारी और शास्त्र पर विश्वास, ये दोनों हो गया तो आप हर एक आदमी एक एक अंबानी बन के खड़े रहोगे जीवन में और आप सबका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे आप सोने को बढ़ाने और सोना घर से नहीं बिगड़ने, दोनों उपाय एक साथ मैंने बता दिया है, इससे आप एवं आपका परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहेगा, ये मैं विश्वास करते हुए। जय माँ पद्मावती। कुछ सवाल जो भक्तों ने पूछे हैं इस वीडियो संबंधी, उसका जवाब इसी वीडियो में दे रहा हूँ। एक तो आप उपयोग किया हुआ या नया कोई भी सोना उस लोटे में डाल सकते हो, वो उपयोग किया हुआ हो। अगर उपयोग किया हुआ सोने को पूजा में यूज करना हो कभी, तो जल में धो के उसको कर सकते हैं कभी भी। सोने का कोई दोष नहीं, सोने का सूतक नहीं। हमारे दक्षिण में तो कोई भी मरगत में जाए, मसान में जाए, तो भी वापस आके सोने का पानी छांटते हैं सिर पर। सोना जिस पर पड़ गया वह कोई सूतक ही नहीं होता। सोने को कोई भी प्रकार का दोष नहीं। सोना हम इसलिए पहनते हैं कि सोना पहने हुए व्यक्ति पर मरगत का, प्रसूति का कोई प्रकार का सूतक दोष लगता ही नहीं है, इसलिए सोना पहनते हैं। लेकिन आजकल ये श्रृंगार का वस्तु बन गया है। एक ने पूछा कि ये उपयोग किया हुआ सोना कर सकते हैं। और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कोई भी पक्ष हो, गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय के 12 मिनट में करना, इसमें कोई पक्ष या तिथि या कुछ नहीं, एक गुरुवार होना चाहिए। उस गुरु का बल के सामने पक्ष का बल कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए गुरुवार के दिन आपको ये काम करना है। और उपयोग किया हुआ सोना भी आप कर सकते हैं, कोई गिफ्ट दिया हुआ सोना, कोई भी सोना, थोड़ा सा सोना उसमें रखना, एक नाम मात्र, एक मिलीग्राम सोना भी हो तो चलेगा उसमें, खाली नाम के लिए एक सोना। वो क्या खींच के लाता है वो अब देखने जैसा। जब भी माल बढ़ जाए, माँ की कृपा बढ़ जाए, तब जरूर आप इस वीडियो का धन्यवाद देना। मंगल।
अब एक सवाल भक्त ने ये पूछा है कि हल्दी पूरी होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए कि टुकड़े होने। दुकान से जैसे आपने खरीदा, जिस प्रकार दुकान में से मिला, उसको वैसे ही लेना है, गीला नहीं करना है, नहीं तो फफूंदा लग जाएगा लोटे में। आप सोचोगे कि ये गंदा है, धो लूंगा इसको पानी से, इसको पानी वानी में धो लोगे तो फफूंदा लग जाएगा और ये पूरा विधान बिगड़ जाएगा। इसको एक शुद्ध पीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए दुकान से लाने के बाद, और पोंछने का कपड़ा भी पीला ही होना चाहिए। मट्टी वट्टी निकाल लो अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ के, और इस काली हल्दी को बोलो कि तू ही अब मेरा कल्याण कर माता, ऐसे बोल के। काली हल्दी, काली तुलसी में जैसी, काली तुलसी की शक्ति विष्णु की बताई है, काली हल्दी की शक्ति लक्ष्मी की बताई है। यह अपने आप सभी चीज को खींचने की ताकत रखती है। कुछ वनस्पतियों में ऐसा ताकत है, मैं आपको बताऊंगा। कुछ देखो कि कुछ शंख को अगर बोरे में चावल में डाल दो, अपने आप शंख ऊपर निकल के बाहर आ जाता है। अब इस शंख में क्या था भाई, इसकी ताकत है जो बाहर निकल के दुनिया के ऊपर की ओर पहुंचने की ताकत रखता है। तो ये सभी चीजों में ऐसी अलग अलग ताकत है, वो अपना काम करके ही रहेगा। विश्वास के साथ करो और विश्वास का जरूर फल पाओ। जय माँ पद्मावती।